हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCCB एग्जाम इन्फो। दोस्तों, JCCB एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं रिलेटेड टू पॉलिटेक्निक का जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है उसका। तो क्या है, जल्दी से फटाफट देखते हैं नोटिस को। पॉलिटेक्निक जो काउंसलिंग हो रहा है उसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन हेतु आयोजित प्रथम साक्षात्कार से अनुशंसित संशोधित आवंटन सूची के अनुसार नामांकन किए जाने एवं ऑनलाइन साक्षात्कार जो का काउंसलिंग कार्यक्रम की तिथियों में पुनर्निर्धारण से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना। अति महत्वपूर्ण मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, देखिए कि परिषद के वेबसाइट पर जो 27 नवंबर को जारी किया गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो है औपबंधिक सीट आवंटन सूची मतलब प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है यहाँ पे जारी किया गया था, उसमें क्या कुछ त्रुटिपूर्ण पाए जाने के उसे रद्द किया जाता है, कुछ गलतियां पाई गई है जिसकी वजह से उसे रद्द किया गया है। दिनांक 28 नवंबर को पुनः संशोधित सीट आवंटन सूची जारी की जा रही है, मतलब 28 नवंबर को मतलब आज के दिन शाम तक रात तक जो है जारी कर दिया जाएगा। और उसको देख के संबंधित अभ्यर्थियों अभिभावक जो गार्जियन से संस्थानों कॉलेजेस द्वारा इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रथम साक्षात्कार के आधार पर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के आधार पर संशोधित जो रिवाइज्ड होगा सीट आवंटन सूची तथा संशोधित सीट आवंटन पत्र जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा उसके बाद ही संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए कि बहुत से स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कि बहुत सा कठिनाई है इसमें, बहुत सा गड़बड़ी निकला जिसकी वजह से उसे संशोधित करके उसको रिवाइज करके उसको आज अपलोड कर दिया जाएगा फाइनल अलॉटमेंट लेटर। तो इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर जो है पहले क्या था 27 से 30 था, उसी को बढ़ा करके अब 28 से 5 कर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट करके 27/11 से 30/11 से कर दिया 28/11 से 5 दिसंबर तक। उसके बाद है द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिवाइज टाइम स्केड्यूल फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। सेकंड राउंड काउंसलिंग का इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर होगा 3 दिसंबर प्रीवियस था, अब उसको रिवाइज करके 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो होगा कॉलेज में, जिस कॉलेज में उसमें अलॉट हुआ है उसमें पहले से 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, उसको बढ़ा करके 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर दिया गया। बाकी जो है उसी तरह होगा उसका शर्त जो कुछ है वो सब। तो ये था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी कोई भी ध्यान से उसको डाउनलोड करना है, उसमें फिर से आपका नाम जो सर्च करना है वो होगा अभी जारी, रात तक कर दिया जाएगा रिवाइज जो है फाइनल अलॉटमेंट लेटर का PDF कौन कौन से स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में मिला है। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जो जो पॉलिटेक्निक्स पर भरे थे जिनका जिनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नाम आया था तो वो लोग को भेज दे ताकि वो लोग को पता चले कि रिवाइज वाला में अपना नाम देखना है और उसी को डाउनलोड करके फिर से दोबारा से अलॉटमेंट लेटर के बाद ही उसको वहाँ पर एडमिशन में मिलेगा। नहीं तो वो पिछला वाला अगर ले जाएंगे तो फिर वहाँ पर उसका एडमिशन नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।